नागपूरचे स्लम सॉकरचे निर्माते विजय बारसे हे झोपडपट्टीतील मुलांना आपल्या खिशातून पैसे खर्च करून फुटबॉल शिकवण्याचे कार्य करतात. विजय बारसे हे काम अनेक वर्षांपासून करत असून आता त्यांच्या प्रवासापासून प्रेरित होऊन दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी झुंड सिनेमा बनवला आहे. विजय बारसे यांची प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी सांगितले की ही खूप आनंदाची बाब आहे की त्यांचे अनेक वर्षांपासून करत असलेले कार्य आज पडद्यावर झळकणार आहे. जब पहले पूछा था तब मैंने उनसे कहा था कि मेरा जो मिशन है ये मिशन को उसी रूप में आप बताइएगा. आप इसमें फिल्मी मसाला ज़रूर भरिएगा लेकिन जब इसका एंड रहेगा तब आप इसको उसी प्रकार से लाइए. तो नागराज जी ने इसको पूरे ढंग से स्टार्टिंग से ही किसी भी प्रकार से उसको ज़्यादा फिल्मी नहीं बनाया है और जो यथार्थ है वही उन्होंने बताया है. एकेडमी मेरी मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अब मैंने डेवलपमेंट थ्रू फुटबॉल ये तो किया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने सक्सेसफुल पूरा किया है. इसलिए कि अब इस पर काम करने के लिए कई डॉक्टर्स इंजीनियर MBA के स्टूडेंट्स ये सब यहाँ पर आके अपना समय देते हैं. अब मैं जब इसमें एक्सपर्ट आ गए तो अब मैं डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ इस एकेडमी के थ्रू मैं केवल नागपुर के लिए नहीं लेकिन मैं इंडिया के लिए प्लेयर यहाँ से निर्माण करना चाहता हूँ.